बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल आल फोन फिक्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो आज हमारे पास है सैमसंग S8, इसका पैनल चेंज करना है, स्क्रीन चेंज करनी है, LED पैनल लगाना है। तो टोटल 4 मिनट की वीडियो है, वीडियो मुकम्मल वाच कीजिए और देखिए कि इसका पैनल चेंज करना कितना आसान है। सबसे पहले हम इसके बैक ग्लास को हीट कर लेंगे। बैक ग्लास है इसका, यानी कि प्लास्टिक का बैक कवर नहीं है, बैक ग्लास है। हीट गन की मदद से हमने हीट कर लिया और एक्सरे पेपर की मदद से बैक ग्लास को हटा लिया। अब फिंगरप्रिंट को हटा लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया फिंगरप्रिंट को। और ये मदरबोर्ड के एरिया है, मदरबोर्ड के एरिया के तमाम स्क्रू हम खोल लेंगे। तो एज वाला इसका पैनल होता है, डॉट वाला हमने पैनल लगाना है, शेड नहीं है, डॉट वाला पैनल है। मदरबोर्ड के ऊपर के जो प्लास्टिक कवर थे वो तमाम हमने हटा दिए, स्क्रू तमाम खुल चुके हैं। बैटरी की रिबन को डिसकनेक्ट कर देते हैं और यहाँ साइड से पैनल की रिबन को भी डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमने ये LED पैनल निकालना है, जो डैमेज पैनल है ये निकालना है। तो हीट कर लिया हीट गन की मदद से। पैनल को हम इस ब्लेड की मदद से अलग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना चिपका हुआ है, बहुत हार्ड इसकी चिपक है। जो पहले फिटिंग ओरिजिनल फिटिंग है, बहुत हार्ड लगा हुआ है। LED पैनल के नीचे आप देख रहे हैं इस तरह के पेपर वगैरह होते हैं। बड़ी हार्ड इसकी चिपक है। तो LED पैनल जो डैमेज था वो निकल चुका है। फ्रेम को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। फ्रेम अच्छे तरीके से साफ होगा तो नया पैनल बेहतरीन फिट होगा, नई स्क्रीन अच्छे तरीके से फिट होगी। फ्रेम साफ़ हो चुका है, एज वाला पैनल है, यानी कि साइडों पर इसके गोलाई होती है। तो अच्छे तरीके से फ्रेम साफ़ करना है। और अब मैं गम लगा रहा हूँ, फ्रेम साफ़ हो चुकी है, गम लगा लेते हैं, नया पैनल हमने फिट करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की बेहतरीन मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस आपको हमारे चैनल आल फोन फिक्स पर मिलती रहेंगी। तो लीजिए जनाब, आ गया नया LED पैनल डॉट वाला सैमसंग S8 का। तो आइए इसको फिट करते हैं, पन्नी उतार लेते हैं बैक साइड पर जो पन्नी लगी हुई है। मुकम्मल वीडियो वाच कीजिए तो आप देखेंगे कि तरीक़ेकार इसका किस तरह है चेंज करने का, बहुत आसान है। तो पैनल की रिबन को साइड से हमने फ्रेम के अंदर दाखिल कर दिया और पैनल को ऊपर से फ्रेम के अंदर बिठा दिया। बड़ी एहतियात के साथ हमने इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, क्योंकि इसकी साइडिंग गोल होती हैं, बिल्कुल सीधा स्लिम पैनल नहीं होता। ये एज वाला पैनल होता है। तो रिबन इसकी कनेक्ट कर देते हैं, पैनल की रिबन को हमने बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी की रिबन को भी कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर के सारे जो बोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक के कवर हैं वो सारे लगा देते हैं। इसके बाद हमने स्क्रू लगाना है, स्क्रू सारे लगा देते हैं और उसके बाद बैक कवर चिपकाएंगे और आपको फाइनल इसका रिजल्ट और लुक दिखाएंगे। स्क्रू लगा लेते हैं सारे। मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से किसी किस्म की आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थंब हमने लगा दिया, स्क्रू सब लग चुके हैं, अब बैक ग्लास चिपकाना है। तो इस ओरिजिनल LED पैनल की कीमत, इसमें डॉट आप देखेंगे, इसकी कीमत 14,000 रुपये है। सैमसंग S8, S8 प्लस, S9, S9 प्लस, S10, S10 प्लस के पैनल जो डॉट वाले शेड वाले पैनल हैं वो 12,000 से लेकर 20,000 तक मिलते हैं। तो मोबाइल ऑन हो चुका है, देखें आप डॉट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, किसी किस्म का शेड नहीं है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। यही अगर हम फ्रेश पैनल लेने जाते हैं तो कम से कम ये 24-25,000 रुपये का फ्रेश मिलेगा। और ये जो अभी हमने लगाया है, इसमें ये एक साइड पर आप देख रहे होंगे छोटा सा डॉट है और फ्रेश है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई शेड नहीं है। तो वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।